हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सभी। दिस इज़ अमित भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल्स पे। तो दोस्तों, आज एक और नई वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है तो होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप PVR सिनेमा में कैसे जॉब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम यही है कि अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है और उसके बाद आप होटल में काम नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होने वाला है PVR सिनेमा। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हमारे सिनेमा मॉल्स रहते हैं, सिनेमा हॉल्स रहते हैं, बड़े बड़े सिनेमा, PVR हो गया, उसमें आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं आफ्टर होटल मैनेजमेंट के बाद। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप PVR सिनेमा में काम करना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें आपका करियर बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको सैलरी इसमें एक बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग सैलरी मिलने वाली है। तो दोस्तों डिटेल में आपको बताता हूँ और वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि PVR सिनेमा में अगर आप काम करना चाहते हो होटल मैनेजमेंट के बाद तो PVR सिनेमा में आपकी जो हायरिंग्स होती है वो 3 पोस्ट के लिए होती है, 3 या 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है। सबसे पहली जो आपकी जो एंट्री लेवल पे जो पोस्ट रहती है वो रहती है एसोसिएट। आप वहाँ पे एसोसिएट के लिए जा सकते हैं। सेकंड पोस्ट रहती है आप जो है सुपरवाइज़र के लिए जा सकते हो और आप मैनेजर लेवल के लिए जा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप सिनेमा जितने भी जो भी आपके सिनेमा हॉल रहते हैं इनमें आपको जो है एक होटेलियर्स को, एक हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट स्टूडेंट को जो है वो बहुत ही आसानी से ये लोग हायर करते हैं। जहाँ पे भी आपने किसी भी कस्टमर या किसी भी गेस्ट से बात करनी है वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, सबसे पहले हायर किया जाता है। तो इसी तरह से आपको सिनेमा हॉल में भी जो है आपको कस्टमर्स के साथ डील करनी होती है, कस्टमर से बातचीत करनी होती है, तो इसके लिए भी हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट के पास एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस रहता है कि आप इसमें करियर बनाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करने के बाद PVR सिनेमा में आप कैसे जाते हो। अगर आप PVR सिनेमा में करियर बनाना चाहते हो, सबसे पहले आपका इंटरव्यू आप एसोसिएट लेवल के लिए ट्राई कर सकते हो, सुपरवाइजर के लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो और थर्ड आप मैनेजर्स लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको अब सेकंड थिंग बता देता हूँ कि इसमें जो है PVR में आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है। अगर आप एसोसिएट लेवल पे जाते हो तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 12 to 18 thousand वेरी करने वाले। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो सैलरी है वो एसोसिएट लेवल पे 12 से 18 thousand के बीच में रहने वाली है। और अगर आप सुपरवाइज़र लेवल पे जाते हो, अगर आप सुपरवाइज़र के लिए जाते हो तो आपकी जो सैलरी है वो 18 से 25 thousand के बीच में रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर या आप एज अ सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए जाते हो तो आपकी सैलरी रहने वाली है 25 से 35 thousand के बीच। तो जी हाँ दोस्तों, ये मैंने आपको 3 पोस्ट बताई अगर आप अप्लाई करते हो PVR सिनेमा में एसोसिएट लेवल पे और सुपरवाइज़र लेवल पे और मैनेजर लेवल पे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके बाद की करियर की, कि अगर आप सिनेमा में काम करते हो, PVR में काम करते हो तो आपका जॉब करियर कैसा रहेगा। अगर आप इस पर करियर बनाते हो तो एज ए करियर आप कैसा रहेगा इसमें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज ए करियर अगर आप PVR सिनेमा में करियर बनाने का सोच रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है। वो डिपेंड करेगा कि आपके स्किल्स कितने अच्छे। अगर आपके स्किल्स बहुत अच्छे तो आप एक अच्छी सैलरी उठा सकते हो। कि जी हाँ दोस्तों, आपको एक पता नहीं होगा कि एक PVR सिनेमा का जो एक मैनेजर्स होता है, जो एक जनरल मैनेजर होता है, उसकी सैलरी अराउंड 70 to 80 thousand, अराउंड 1 lakh के आसपास वेरी करती है। तो दोस्तों अगर आपके अंदर स्किल्स है और आपके अंदर पोटेंशियल है आपके अंदर काम करने का, तो दोस्तों आप महीने का 1 lakh रुपये भी कमा सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपके काम पे और आपके स्किल्स पे। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन होटल मैनेजमेंट में की है और उसके बाद वो जॉब करने का सोच रहे हैं कि हमें होटल्स के अलावा हमें किसी अदर सेक्टर्स में जॉब करनी है। तो दोस्तों आपके लिए मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, मैंने हर एक टॉपिक्स पे वीडियो बनाई है कि अगर आप होटल्स में जॉब नहीं करना चाहते तो आप रिटेल में कर सकते हो, जो कि आप मेरे चैनल्स पे ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है। आप बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें आप जॉब कर सकते हो अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है तो।
तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी उन सभी भाई लोग के लिए जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के स्टूडेंट रह चुके हैं और करियर को लेके परेशान है कि हमें जो है वो कहाँ कहाँ हम जॉब कर सकते हो और हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।